नमस्कार साथियों, राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। थोड़ी बहुत देर में खबर आ सकती है। इसको लेकर एक बड़ी खबर, जैसे हमने आपको बताई थी कि पुष्पेंद्र सिंह राणावत या महेंद्र प्रतापपुरी में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है, अब एक नई बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि पुष्पेंद्र सिंह राणावत के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो क्या इसका मतलब, जो खबरें हमारे पास आ रही थी कि पुष्पेंद्र सिंह राणावत नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट है। उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उनके घर पर बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। और 6 बार के विधायक हैं, बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं। ब्यूरोक्रेसी को किस तरीके से, क्या और कैसे हैंडल किया जाता है, राजनीति में जो दावपेच हैं, कैसे जिस तरीके से राजनीति चलाई जाती है, 6 बार के विधायक हैं, एक लंबा अनुभव है और ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर अब जो निकल कर आ रही है कि उनके घर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। इसका मतलब अब क्या समझा जाए कि क्या पुष्पेंद्र सिंह राणावत के नाम का ऐलान आज भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में लगभग सारे विधायक पहुंच चुके हैं। और उस बैठक में होने के बाद जो डिसीजन सामने आएगा, राजनाथ सिंह भी जो पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए हैं, उनके साथ 2 और बड़े नेता हैं बीजेपी के, तो ऐलान कुछ ही देर में सामने आने वाला है। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है, पुष्पेंद्र सिंह राणावत के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुष्पेंद्र सिंह राणावत एक बड़े नेता हैं, 6 बार के विधायक हैं, और अब ये जो चर्चाओं का दौर था, मीडिया में उनका नाम कहीं नहीं आ रहा था, लेकिन अब आखिरी वक्त पर जिस तरीके से जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो के माध्यम से, 2 नाम हमने आपको बताए थे जिसमें एक नाम पुष्पेंद्र सिंह राणावत का भी था। अब जो ये खबर आई है, एक बार फिर बताते चलें, घर की सुरक्षा बढ़ाने का मतलब ये है कि उनका नाम CM के लिए अनाउंस हो सकता है। तो जैसे ही इस बारे में कोई औपचारिक अनाउंसमेंट आता है, जिस तरीके से कोई घोषणा होती है, हम आप तक ये खबर ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन अपने आप में एक बड़ी खबर है, उनका नाम चाहे मीडिया में नहीं चल रहा हो, लेकिन दिग्गज नेता हैं और इतनी बाहर से अगर कोई विधायक है, तो हो सकता है कि उन्हें मौका दिया जाए, पार्टी नेतृत्व की तरफ से उन पर भरोसा जताया जाए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ऐसे ही चौंकाने वाले फैसले देखने को मिले हैं, और राजस्थान में भी यही बात हो रही थी कि कोई नया नाम निकल कर सामने आ सकता है। तो क्या अब पुष्पेंद्र सिंह राणावत का नाम ऐलान किया जाएगा राजस्थान के, क्या वो अगले मुख्यमंत्री होंगे? कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।